आज के कहानी महाभारत से रही दुगोला के माध्यम से। आज विजेंद्र गिरी आयल बड़े गावे विजेंद्र जी के थे एक बार छोड़ धनी आज फिर दोबारा भेंट हो गई बा। लासा काट देला काम बा। तो आज लासा काट देब छोड़ेब ना तनी हई देख ली कहानी तो रही महाभारत से 14वां-15वां दिन के लड़ाई दोना चार्ज बहुत लेकिन एकरा पहले एगो हरियरी बा बड़ा सुंदर है घरी देहात में एगो जानी ओठत चल जात रही थी एगो लड़का देखलस त का कहलस चढ़ली जवानी तहरी हो चढ़ली जवानी तहरी नैना बा कटार आई हो दादा आई हो दादा चल तारू ढोढ़ी आऊ घर आई हो दादा चल तारू ढोढ़ी आऊ घर ओठवा में लाली शोभे कनवा में बाली बड़नी को शोभे तोहरी चोलिया के जाली बड़नी को शोभे तोहरी चोलिया के जाली आई हो दादा चल तारू ढोढ़ी आऊ घर आई हो दादा चल तारू ढोढ़ी आऊ घर चालवा कोइलिया के बोली हिरनी के चालवा को किलिया के बोली सुनी के करे जवाब लाग जई से आई हो दादा चल तारू ढोढ़ी आऊ घर आई हो दादा चल तारू ढोढ़ी आऊ घर आई हो दादा चल तारू ढोढ़ी आऊ घर आई हो दादा चल तारू ढोढ़ी आऊ घर
पहले तिवारी तहरा भैले बा बीमारी केहू के संगे जानी लैहरा नियारी कमला के संगे चलो कमला के संगे चलो पकवाई नार आई हो दादा आई हो दादा चल तारू ढोढ़ी आऊ घर 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 आई हो दादा। अब कहानी पर ध्यान दी कि महाभारत से 14वां 15वां दिन की लड़ाई किए भाई। यह बात के वेद व्यास जी के द्वारा महाभारत में चौपाई लिखलवा। कैसे लिखलवा? संध्या जानी किए विश्रामा अदौ दलयाए निज धामा भूप जुर्जिष्टि कहिबे लागे मन मलिन मोहन के जागे भीष्म दोन सरिष प्रसार आया पुजुध रचना जबरा। हाँ भैया, धर्मराज कृष्ण से कहले कि सरकार 14 दिन युद्ध होते हो गई पितामह जी सरसैया प्रमाणी और एने दोर्न गुरु के उपद्रव मचलबा सामरथी कतना मारल गईले। अब हमरा बुझात नहीं खे कि हम का करी काल के युद्ध में का हुई कन्हैया जी तनी हमरा के समझाई। कहले कि बिहने समर में जुझार युद्ध होई है कि भीम जदि आपन कमाल देखई है आ गुरु के लड़िका अश्वस्थामा के रण से आ बहुत दूर फेंकी उनकर बदन छिपई है बेटा के बिछोह में सुनी मोहन घेरी तन में ओही गम गुरु जी के दम छुटी जई है आ कहे कमला बाबा विचार करी मन में आ तब महाभारत केहू जीते न पई है। भैया कन्हैया कहले कि उनका सामने केहू नहीं खे केहू उनका सेना फिर जाई काल जम इंद्र जे भी आई हार के चल जाई लेकिन एगो बात बा कि भीम एह टाइप के अगर काम कदी है तो एकदम धर्मराज तहर विजय निश्चित बा तहर विजय निश्चित बा। का कहले हो बसा भैया एगो धुन याद पर गई कि रचल पला नवा जसोदा लला नवा रचल पला नवा जसोदा लला नवा सुनी भीम छतिया फुलावे लगले हाथ गरज के गदावा उठा हाथ गरज के गदावा उठाई ली हले। हाँ भैया ऐसन भीम युद्ध कैले कि धरती आकाश गर्दा से तुबा गई सादा रथी हाकार मच गई हाल देख के दुर्नपुर संस्थामा गर्जना कैले और कहले कि आ भीम आज गर्दे बा खबरदार तू अपना के बहुत बड़बड़ू हो गई बड़ा हमार हाल तू जानत नहीं खो तहार आज गर्दा छोड़ा दे तुम गर्दा छोड़ा दे ले कम बा ए रोका 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 राउट लाथे ना घुमाओ ए बाबा चाहो इनको गर्दा छोड़ाओ ए तारकेश्वर जी देखी का कहले कि देखो ना गुरु के लड़का कि देखो ना गुरु के लड़का अरे होत बाय अत्याचार कि होत बाय अत्याचार आ भीम कि मन बढ़ी गइल बा तोहरो आ कि मन बढ़ी गइल बा तोहरो ए हे आ खइब आज बड़ी मार मन बढ़ी गइल बा तोहरो आ खइब बड़ी आज मार मन बढ़ी
भलन खूब लालकार भीम हमारा से युद्ध करे अइलो हाय चिन्हला ना हमरा के ओइठो तारो ए पेट में धावा हर थरिया खइबो इहे तू जनला तू हमरा से लड़े अइला ए हे हमारा से युद्ध करे अइलो ए त देह बाजला दता हर फार हमारा से युद्ध करे अइलो दया जफार हमारा से युद्ध करे अइलो बात सुन के स्वस्थामा के बात सुन के ए भीम कहलकै ब्राह्मण पुत आ हे तहरा बुझात नहीं खे दही चूरा के आदमी है तू हमरा से ऐसन बात कहता रह ए लड़े खाती तहरा के तो हम बहुत दिन से खोजत नहीं आज भेटा गइल बड़ो आज तहरा बुझा जाई कि लड़ाई केंग होला कहो त ढेर एगो भिखारी ठाकुर के एगो भाव याद पर गइल कैसे बाबा कि ढेर बी जानी बन फरियाल ओठ तार देह देखाव तार कि फरियाल 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 ढेर वीर जानी बन फरियाल अच्छा अब आज कहानी पर सुलन बसा भाई हमरा माननीय कमलाकांत बाबा के मुखारविंद से बड़ा सुंदर शब्द मिलल कि आज मार के लाशा निकाल देतनी दिमागदानी ठीक कर दिला काम हमरा म तो लाशा में आज लाशा रिये देतनी गाने को सुने के मिलल ढोड़िया उघार आई हो दादा ये कुल गईबे करी है हाँ तो और कहूँ ची अब उघार के ना चे तब है दकले दकले सुना का हो ऐसा भले तू खिसियालू लेकिन देखला बड़ा नीक लगे लू का कह तरे फूलवा जैसन कोमल बाड़ू अरे बाड़ू तू कुमार आई हो दादा आहा कितना नीक बाड़ू सुना काहे खिसिया के बोला तरु हने आओ ना अरे गुगुरिया बाल है गुगुरिया किया ही हो दादा आ खोज तारु मर्दा बोरिया रे आई हो दादा खोज तारु मर्दा बोरिया बसा भाई अरे तनी समझा दो हमरा से खिसिया के का करतरी अरे अपन
जवानी के काहे खराब कैले बड़ी। हम कहतनी माल थोड़ देर गति वहीं से कहतनी सरग के परी हौ चांद के चकोरी ना सरग के परी हौ चांद के चकोरी संगे संगे रहबू तो बुलर कोरी जगह जगह हेने आवा। अरे हेने ताक ना रे रे खेसरिया काई नोने तक ने मने ने सुनबू बन रही गोरी तहार सगर बाजार आई हो दादा की आई हो दादा। अरे खोजे लू मरदा बोरिया रे आई हो दादा खोजे लू मरदा बोरिया भाई गोरे गोरे गाल जैसे हवे रसगुल्ला देखला पर मने नौले हो जाला। गोरे गोरे गाल जैसे हवे रसगुल्ला छतिया परिन का कूदे लगू लगूला हेने आओ हेने आओ चलो ना चलो हमरा संग चलो। अरे मूवी कहे बोले बाबू हेने तको चल गोरी से जिया पर। अरे हेने आओ चल गोरी से जिया पर लुटिला तू प्यार आई हो दादा आई हो दादा। अरे ताक रे अरे खोजे लू मरदा बोरिया रे आई हो दादा खोजे लू मरदा बोरिया। अरे तारा अंदाजे नखे की तू का बोल देलू पहिला उठानी बावे पहिला जवानी हे कमर में करेंट बावे बटीरी के पानी भाई। हाँ तो खूब तो सामान तो सामाने खानी पा लिखे के कह दया चेक कर दे सब जगह देखा तानी कहाँ कहाँ का होला। कमर में करेंट बावे बटीरी में पानी लेकिन माथा के बाल बड़ा नीक लगे घुंघराली बाल बाते नैन कटार आई हो दादा की आई हो दादा। ताक ना रे अरे खोजे लू मरदा बोरिया रे आई हो दादा खोजे लू मरदा बोरिया। बार बार कहले और
मिला हमारा से गोरी तू मती कर लीला तारे आई हो दादा हाँ हाँ बना ला बना ला। अरे जीवन तहार सुधर जाई हो बना ला दादा। अरे खोजे लू मरदा बोरिया रे आई हो दादा खोजे लू मरदा बोरिया रे आई हो दादा। कहानी पर जा हमरा माननीय मिश्रा जी बनी कहानी आके वो जगह पर पहुंचल बा कि अश्वत्थामा के भीम का कहले ऐसन लड़ाई में ऐसन मार मरले कि रथ सहित अश्वत्थामा चल गए कहा कैलाश पर्वत पर के लोधा गई गट्टा जोड़ मारी दे कहानी चल जाए यहाँ का पकवाई नार रह रहा मत घबरा सुन ला नहीं ना देखला है कि आज पिचरी काट देता नहीं भीम कल की खबरदार के माई के लाले धरती पर बा आओ सुस्थमा। अरे गुरु के बेटा हो इस लिहाज करते न तो तहरा के मारल तो मारल गादा धारा दे तो लगवा बुझ बुझी छोड़ ऐसन मरले भीम की चल गई शंकर जी के लगे ओकरा मूर्छा आ गई मूर्छित हो गई मरे के तुल्य हो गई। भगवान शंकर के जब शरण में गई ले बाबा उनका के चिंता करो नहीं कहने की आराम करो एने देखी का होता अश्वत्थामा शंकर जी के लगे पर्वत पर बने आतले ने लड़ाई के मैदान में गुरु द्रोणाचार्य आ अर्जुन लड़ाई के मैदान में है लड़ाई हो रहल बिया गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन के देखले तो कहले कि का अर्जुन के कहत रहे द्रोणाचार्य जी ताल ठोकिला पति के बात कहे लगले डपटी छल कपटी चेला जो सेरु जियो। अरे हमरे शिष्य होके आ तू हमरा बेटा के संगे लड़ाई कैल ए छल कपटी चेला अरे गुरु ऐसे अरे करे ला झमेला ए छल कपटी चेला लड़ाई कर हमरा संगे। अरे जाना चेला हुआ तानबाजी कम कर गुरु द्रोणाचार्य कहते रहे ताल ठोकी लपटी बात कहे लगले डपटी छल कपटी चेला सामने आओ धनुष बाण संभारो गुरु ऐसे करे ला झमेला ए छल कपटी चेला अर्जुन। अरे हमरे शिष्य हो अर्जुन अरे नजर उठा के देखब बुआ है ना तक बेरी बेरी काटब तन के सिरावा के छपटी छल कपटी चेला हमारा से करे ला झमी चेला कहले बिजेंदर बबुआ
धरबया जल पटिए छलक पटी चला खबरदार चेला तैयार हो जा सुना है ना सुना मरी है तू हनया जपटकिए छलक पटी चला कि लड़ाई गुरु चेला में भइल कि लड़ाई गुरु चेला में भइल खबरदार अर्जुन तैयार हो जा कि लड़ाई गुरु चेला में भइल तय अर्जुन क्रोधित में अरे अर्जुन क्रोधित में होके अरे बनवा चलाई लड़ाई गुरु चेला में कि लड़ाई गुरु चेला में भइल अरे चेला में भइल हो भैया चेला में भइल हो लड़ाई गुरु चेला में तया अर्जुन क्रोधित होके बाना पाचलाई हो लड़ाई गुरु चेला में भइल तया अर्जुन क्रोधित होके बाना पाचलाई हो लड़ाई गुरु चेला में भइल ए भैया लड़ाई है गुरु चेला में चल रहल बा रउवा केकरा से लड़ाई बा हमरा से लड़ाई बा आज कमलाकांत बाबा से आज बतिया दो बा कि यहां के का चाहतन हाय बड़ा इनको दिमागदानी ठीक कर देला काम बा दिमागदानी दिमागदानी का बोलेला हो ना ना ऐसा बात नहीं के अरे यहां के उहे हाल बाए बासा भाई जान तरह कौन तमाशा बा दुकान एगो डॉक्टर साहब रहले त एगो मरीज गइले ऑपरेशन कह दहले डॉक्टर साहब ऑपरेशन कह के वही में कोंचिया छोड़ दहले मरीजवा जब उठ के चले लगल बेड पर तो डॉक्टर साहब कहले कि काम तो गड़बड़ हो गया फिर टाका काटना पड़ा मेरा कैंची तो उसी में छूट गया तो कलस की इतना डॉक्टर साहब एकरा के चीर के निकाल दी चीर के जब निकले तो डॉक्टर साहब के वही में अब रुई छूट गई कहले कि देखिए गड़बड़ हो गया रुई तो उसी में छूट गया फिर चीरिए कलस की डॉक्टर साहब फिर चीर के निकाल ली तीसार का बेरी डॉक्टर साहब के वही में हाथ पोछेला रुमाले रह गई डॉक्टर साहब कहले कि इसी में मेरा रुमाल रह गया कहले कि डॉक्टर साहब एकरा के चीर लिया ना हो के तेको बाजार से चैन मंगवा के हमरा लाद में लगवा दी काहे कि कोनो ठीक नहीं करा और कब हथियार छूट जाइए से एकरा के बराबर चैन रही तो खोलल जाई हंसे लागल हंसल त डॉक्टर साहब कहले कि क्यों हंसते हो त कहलस कि हंस तनिए से कि पहिल पहिल ऑपरेशन करें या लाद करू आ फार चीर के ठीक कर देनी डॉक्टर साहब हंसे कहले कि हमरो तबिन पहिल उठे ऑपरेशन भइ रहल ऑपरेशन कह दी साहब हमरो त पहिल के प्रैक्टिस रहला यही से दू चार बार चीर देनिया एकरा बाद मिश्रा जी से सुनियो ओकरा बाद सेवा होई ना कका छबीला रे बड़ा लीला कोइलो कि घर घर के उहे तहार हाल बा कि घर घर के आर चाटे लो पतीला बड़ा लीला कोइलो घर घर के चाटे लो Thank you.
खेला टिकोरा ओने गड़ावे देखिलो चालिनी को देखिलो चालिनी को गारी लोग देला रे बाड़ा लीला कोइलो कतना पिटाई लेकिन लाजना कतर में उहे हो पाका होटे पवने आठो रोहेला अपने लायो किला रे बाड़ा लीला कोई
पीछा हमारा विजेंद्र जी छोड़ले बड़े। अब द्रोणाचार्य जब सुनले कि अश्वत्थामा मरा गई तो कौरव दल में पूछले पता लगौले कहले कि का हमार बाबू मरा गई ले बेटा मरा गई ले। चिंता उनका मन में भइल बा। भीम से जाके खुद पूछा तरह के भीम ये बताओ कि हमार लड़का कहाँ बड़े। एगा एगो भाव याद पर गेल बसा भैया कैसे हो भाई है सुनला है ना एगो मुक्तक याद पर गई है गहुवन के खोदबा तक काटी ना गहुवन के खोदबा तक काटी ना हमरा के बोल भाई कहत रहता का करी तहरा के पूजी गहुवन के खोदबा तक काटी ना बे वो का कहीं का चलहाक से अझुरैबा तो डांटी ना ई सांच बात हो। ए शिव शंकर भैया सब लोग कहला कि कुकुर के खाली हाड़ी मिली तो चाटी ना चटबे करी है ताई कहानी पर ध्यान दी। उहे द्रोणाचार्य तहार खेला खत्म बा कहले कि अब तहार खेला खत्म बा ई खेला में कुछ बा ना ई कन्हैया जी कहले कि ए बाबा जी ई राउर खेला खत्म हो गई रउआ वो ऋषि के श्राप के उदालक ऋषि के श्राप के रउआ याद करी कि रउरा के किंग लोग बतौले रहे कतना बात रहे उ रउरा याद नहीं खे अब राउर खेला खत्म बा मोरे के तैयारी हो जाई मोरे के का जी लड़ाई राउर समाप्त बा अब का कहले हो मरा गईले हो और मरा गईले हो मरा गईले गुरु बाबा राउर बबुआ ए तारकेश्वर और मरा गईले गुरु बाबा ताहर बबुआ मरा गईले गुरु बाबा ताहर बबुआ। देखनी किरण में तूफान बाड़ा कईले किरण के बीच में और किरण के बीच में घेरा गईले गुरु बाबा राउर बबुआ मरा गईले जुरी बाबा ताहर बबुआ। सब लोग कहे युद्ध करत रहले भारी सब लोग कहे युद्ध करत रहले भारी कतना उ कईले रण में बलकारी कहे कमला बाबा अरे कमला बाबा कहे पिटा गईले गुरु बाबा राउर बबुआ हमारा गईले गुरु बाबा राउर बबुआ। कहिया वह कन्हैया के बाद सुन के मन में उनका आशीर्वाद भइल कहले के अश्वस्थामा मरा गईले कहले कि ना ये बात ना हो सके लेकिन शोक हो गईल है का कहले हो कहले कि बाबू एगो लई याद पर गई कैसे कैसे लई बा बाबा लई कि दिहले सराप रहले ऋषि जी बचानावा कि बेटा खाती ए अरे बेटा खाती अरे ताहर जई है परानवा अरे बेटा खाती ताहर जई है परानवा। ऋषि उदालक पुत्र से घात कोई लभारी उनके ललाना माँ के हला तुम्हारी पुत्र के वियोग में ऋषि पुत्र के वियोग में ऋषि तेजल परानावा मरा गईल रे गुरु बाबा के ललानावा। कहानी हमारे ही जा रहा था एकरा बाद विजेंद्र जी सुनाई है बड़ा ओइठत रहले हां एगो भाव बा देखिए एगो मुक्त की याद पर गइल है देखी हमरा के देख के टिटकारी मत मारो ए तारकेश्वर का हो
इनकर ऐठल छोड़ा दे आज आज रेल लेता नहीं जो धुआं बिक दिले हमारा के देख के टिटकारी मत मारो बन मत हम कुछ जाने नहीं बबुआ बिजेंद्र जी शिष्यकारी मत मारो बाप हमारा के समझाव तरवा तू गढ़ही में उज बुझा तारा उज बुझा तू वही लाइक बड़ो हम गंगा में नहा ले बनी फिचकारी मत मारो ऐठा तरवा एगो बात यही जा रह गई आई देखी अब एगो बात छोटी चुकी याद पर गई फूलवा तिसियो से नीमन होई गुलाब नई के सांवर बाड़ू बाकी ए तारकेश्वर सांवर बाड़ू बाकी रे चाहे छोट बाड़ू बाकी आ तोहरो जवाब नई के छोट बाड़ू बाकी तोहरो जवाब नई के केल्ही जालीदार चोली मारो थीरी नटके गोली जालीदार चोली मारो खीरी नटके गोली कि तहरा गोलिया के केकरा दिल पर दाग नई खे ए छोट बाड़ू बाकी कह तो जवाब नई खे बाड़ू बाकी कह तो जवाब नई खे कहानी पर यहाँ हमरा मिश्रा जी बनी और इस दिला काम बा बात हो जगह पर बाजी है लड़ाई अर्जुन के आ गुरु द्रोणाचार्य के जब भइल गुरु द्रोणाचार्य जी लड़ाई के मैदान से जा रहल बनी आ स्नान करके वहां के सोचनी की तनी हम विश्राम कर ली आराम कर ली आतले राजा विराट है पीछे से आके हाँ। आ ललकार दरस के गुरु द्रोणाचार्य बाबा कहां भागत रहो जब ललकर ले तब वीर के ऐसा चीज होला कि वीर हार नहीं मान सकत अब है गुरु द्रोणाचार्य लौट के देख ले तो कहले अरे हम तो चाहनी है कि कुछ आराम कर ली लेकिन तू ललकार दे तो हम सचहू ब्राह्मण हई लेकिन गाना एगो सुने के मिलल छावड़ा छबीला आई दुका घर घर के चाटे ला पतीला ना ना रह 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 आज हम बेचटले छोड़बू ना करब आज देख तनी कौना कौना तसली में कौन माल बरामद बा उहे कहलस का कहलस तसली में मुंह लगाइए देबे के बा कलस की का हो पीला कह तरु पीला कह तरु हमरा के अरे सुनना छबीली खा लो अरे पाना डबल खीली रे कार्तिक के पीली कारे पीली पीला कहतरु एसन कहिया पीली अरे केताना तू अरे देत बारू ढीली एसन कहिया हमरा का उठा काती खान जाए साल भर कुकुर लेड़ कोई ले बड़ू नू तो सुने हने तहार दावा करतन सुनना छबी लिखा लो पाना डबल खीली रे सन कहिया अरे दूर दूरा दो दूर दूरा दई बहुत कुकुर लेड़ करी केतना तू देबे लगलू ढीली एसन कहिया केतना तू देत बारू ढीली एसन कहिया सुना है ना तक सुनिए बाबा से
ना सुनल हो आज छेवक देतनी त छेवकल के फिर मरू आज तरह के बघार देतनी देखो हड़ हो देतन के ना पीला के देखी तू भइल बाड़ू गरमाइल बड़ू पीला के देखी के तू भइल बाड़ू का हो एकदम वही पर लागल बड़ू कैलू कुकुर ले तहरा लागे न सरा ए रविंदर भाई अरे दूर दूर आवा हो एक रखे चुचकारू बाउराइल देखी एक कंडी हमारा से देत बाड़ू भीली ये सन कहिया केतना तू देत बाड़ू कुकुर के घर के हौ बनेलू पपीतार एह बासा भाई रापिली मुहावा तू बवले रे पीलिया 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 मुहावा बाबा तबाड़ू गिरिजी के लीली रे सन कहिया पीली केताना तू देत बाड़ू न कहिया केतना तू देत बाड़ू भीली रे सन कहिया लेकिन कहानी पर आ जाई गुरु द्रोणाचार्य है मुड़ गए राजा विराट ललकारे लगले गुरु द्रोणाचार्य कहले कि अरे आवा बबुआ आवा लेके धनुष बाण द्रोण बोले ललकार खबरदार 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 अरे लेके धनुष बाण द्रोण बोले ललकार खबरदार खबरदार राजा हो जा होशियार खबरदार खबरदार राजा हो जा होशियार खबरदार खबरदार चला सामने आओ अरे हम तो चाहनिया कि कुछ विश्राम कर ली आराम कर ली लेकिन हमरा के ललकार तरह जानत बड़ा आज तहार उपाय कह देव कि दोनों आंख तहट्टा रराइले रह जाए राजा विराट के दिल ललकारी आंख कह के लाल लाल
सा भाई का कहले एके बान मोल ढीला कर दन उतार खबरदार खबरदार उतार खबरदार खबरदार मची गईले हाहाकार खबरदार खबरदार मची गईले हाहाकार खबरदार खबरदार ए भैया राजा विराज के संगे गुरु द्रोणाचार्य के लड़ाई भइल। जब लड़ाई हो गई तब देखी भगवान कन्हैया के कहला के अनुसार गुरु द्रोणाचार्य जी लड़ाई के मैदान से निकल के स्नान ध्यान करके आसन मार के बैठ गईनी भगवान के चरण में ध्यान लगा के कहे कि वहां के इच्छा मृत्यु के वरदान मिल रहे। ऐसे राजा विराट से लड़ाई करके आ बाबा ये आसन मार के बैठल बानी कि अब ये प्राण के हम निकाले हो कहे कि हमार बेटा अब मर गई विराटों का मुड़ी कट गई। कन्हैया के कहला के अनुसार ये जाके आसन मार देले बाबा कवि के भाव बा कैसे हो हो द्रोणा जी बैठे आसन लगाई हो द्रोणा जी बैठे अरे आसन लगाई हो द्रोणा जी बैठे आसन लगाई करिया स्नान ध्यान लगवले प्रभु के चरण चीतलाई ए रामा कि हरि के चरण चीत बेटा वियोग में अर शोक भइलबा आ हरि हरि गोहराई हो द्रोणा जी बैठे आसन लगाई कुछ देर भइले द्रोणाचार्य के तो श्वास बंद होई जाई भारी ब्रह्मांड अरे प्राण निकली गईले अरे गिरी बाबा कह तार गाई हो द्रोणाचार्य बैठे ले आसन लगाई बाबा आसन लगा के आई है बैठल बनी भगवान के कृपा भइल कि ब्रह्मांड फट गईल प्राण निकल गईल। लेकिन प्राण जब निकल गईल तेने देखी का भइल बड़ा विचित्र बात हो गई बड़ा मुक्तक सुने के मिलल है कि ना सुनल है एगो मुक्तक अरे खिस्सा उहे बा अरे आलो पटर के तरकारी पर तहार चोखा का करी चोखा तो बनल बड़ी देख के जतरे खराब हो जाई आलो पटर के तरकारी पर तहार चोखा का करी ए तारकेश्वर सब है जब इनकर बात बुझते बताई मर्दवा बोका एगो का करी बड़का बोका हो अरे जब इनकर में हरिये चोरी बिया जब इनकर में हरिये चोरी बिया तो घर में इनकरा ताला का करी आ जब गिरी जीवा का ऊपर से बम गिरी तो नीचे तहार भाला का करे ऐसा मत कहिए मिश्रा जी गादहा का बहु ज्ञानी ना होला इरा और सोचल भरम बा गादहा का बहु ज्ञानी ना होला इ सोचल और भरम बा नहीं क्या बुझात रहा बाजार हो हम जाना था निरुआ बैंक के बाजार छन ले बनी रउरा बाजार में ये मछरी के भाव बड़ा नरम बा के कहता कि झूठ बोला से धन लक्ष्मी घटेली के कहता कि झूठ बोला से धन लक्ष्मी घटेली हमारा तो बुझाता आज की झूठे बोलल का बड़का धरम गाना बा लास्ट में भैया उहे का भइल पांडव दल के जौन सेनापति रहले धीष्ट धूम ने मारला पर गुरु द्रोणाचार्य के आके गर्दन काट लेले उ अपन बैर सधा लेले कहानी यही रह जाता लेकिन एगो गीत बा कैसे
ए बासा भाई, अरे जवान खेल ले नहीं खूब खेलबा, अरे तमन खेले के परी। ए चिचोर के माई, अरे खेले के परी। आज गिरी जी के बेलना धके बेले के परी। आज गिरी जी के बेलना धके बेले के परी। ए है ना ताका लकल छकल छूटी लूटी जवानी है ना ताको, रंग से बेरंग हो खबू चली जाई पानी। ए बसा भाई इंकर मेडिकल जांच कराओल जरूरी बा, आना पानी न घोटाई, आना पानी न घोटाई तो ढकेले के परी, ढकेले के परी। आज गिरी जी के बेलना धके बेले के परी। आज गिरी जी के बेलना धके बेले के परी। ए भैया हमारा आई माननीय मिश्रा जी के संगे ई दुगोला वाली बात रहला, एकरा आगे और दुगोला कुली सुने के मिली तरह तरह के। एही में रहो सबके सेवा में सब प्रस्तुत होत रही, गलती सही हो तो रुआ सब माफ करब। एक आगे फिर हमनी दोनों भाई सेवा से रुआ सबके स्वागत करब।